रफी साहब की जिंदगी का जो आखिरी फिल्मी गीत था वो समझ लीजिए खुशनसीबी या बदनसीबी से मेरी ही फिल्म का था। आसपास का गाना गाया उन्होंने और गाना गा के जा रहे थे तो मैंने उन्हें आवाज दी, मैंने कहा रफी साहब एक मिनट के लिए। टर्न करके ना बोले पापा जी मेरा गाना खराब है। मैं कह नहीं रफी साहब गाना आपका बहुत अच्छा हुआ है। एक शेर रिकॉर्ड करना था मैं भूल गया। यही शेर आज हर हिंदुस्तानी के दिल में है जो रफी के लिए गा रहा है। जिंदगी में ही एक लेजेंड का दर्जा हासिल कर चुके थे, पद्मश्री, नेशनल अवार्ड्स, फिल्म फेयर अवार्ड जैसे ढेरों सम्मान उनकी झोली में आ गिरे थे। ऐसे में शायद उनकी असमय मौत ने उनकी हस्ती को और भी बुलंद और मकबूल कर दिया। जब कभी भी सुनोगे गीत मेरे संग संग तुम भी गुनगुनाओगे, हाँ तुम मुझे बुला न पाओगे। मैंने ऐसा जनाजा कभी नहीं देखा। हर शख्स की आंखों में आंसू थे। मस्जिद से लेके दिल दी लकी सिग्नल तक वाज जैम पैक। मूसलाधार बरसात हो रही थी। लोगों ने छतरी बिगर छतरी जैसे भी करके उन्होंने अपने बस रफी साहब के जनाजे पे जाना है। क्या राजेंद्र कुमार, क्या राज कपूर साहब और क्या सुनील दत्त साहब, सारे आर्टिस्ट खड़े हुए थे, भीग रहे थे पानी में। बिल्डिंगों में से लोग अपना देखे जा रहे हैं, फूल फेंक रहे हैं। मांगरा मस्जिद में नमाज उसकी हुई जनाजे की। कहां कहां से लोग नहीं आए थे, कहां कहां से लोग नहीं आए थे। मुझको देखे बिना करार न था, एक ऐसा बिदार गुजरा है। मुझको देखे बिना करार न था। बड़े से बड़े फनकार आए और चले गए, उनकी आखिरत उनके मरने पर भी इतना गम, इतना इजहार अफसोस या इतना मजमा हमने नहीं देखा। तुम मुझे बुला न पाओगे, जब कभी भी सुनोगे गीत मेरे संग संग तुम भी गुनगुनाओगे। हाँ तुम मुझे बुला न पाओगे। सिर्फ 55 साल की उम्र में रफी साहब चल बसे, लेकिन वो अपने हिंदुस्तान के लिए एक बेशकीमती विरासत छोड़ गए। लगभग 26,000 नगमे, हर भाषा में, हर जज्बात को बयां करते अनमोल गीत।